प्रश्न आपका है कि यदि एक नाव 7 घंटे में धारा के विपरीत 32 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में चलती है, 36 किलोमीटर चलती है, और यह नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब यहाँ पर हो गया विपरीत, 40 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में 60 किलोमीटर समान समय में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए इस तरह के प्रश्न में हम सबसे पहले क्या लेते हैं कि शांत जल में नाव की चाल मान लेते हैं और धारा की चाल मान लेते हैं। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, माना शांत जल में नाव की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा धारा की चाल यहाँ देखिए, अब हमको लेना हो धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ धारा की चाल y किलोमीटर, हम एक सामान्य रूप से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हवा चल रही है पश्चिम की तरफ से, हवा पूरब जा रही है। यदि आप साइकिल चलाते हैं और पश्चिम से पूरब की दिशा में जाते हैं तो आपकी गति तेज होती है, हवा की चाल और आपकी चाल का योगफल होता है। यदि आप पूरब से पश्चिम की तरफ आते हैं तो हवा अपनी गति के सापेक्ष आपको रोकती है, वहां ऋणात्मक संबंध यानी आपकी चाल कम हो जाती है, जिसको इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे तो धारा के अनुकूल, या इसी को कहते हैं धारा की दिशा में, नाव की चाल आपकी जो होगी यह हो जाएगी यक्स धन वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्थिति तथा धारा के विपरीत नाव की, विपरीत को हम प्रतिकूल भी कहते हैं, नाव की चाल जो होगी यह होगी यक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखिए स्थिति क्या है, पहली शर्त इसमें है कि 7 घंटा समय जो लगता है वह 32 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में और 36 किलोमीटर जो है धारा की दिशा में जाने में, इन दोनों की दूरी तय करने में कुल समय लगता है 7 घंटा। तो हम यहाँ करेंगे क्या, धारा की दिशा में लगा समय आपका हो जाएगा 36/x^y, ये समय होगा, धारा की विपरीत दिशा में हमको मिलेगा 32/x^y। तो इससे हमें टॉपिक हमारी बनती है, जो समीकरण बनाना पड़ता है उस पर आते हैं। तो यहाँ पहले हम लिख लेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त आपको मिल जाएगी, तो यहाँ 32 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में लगा समय, जिसको हम T1 लिखते हैं, या T1 हो जाएगा 32/, अब धारा के विपरीत की दिशा में चाल आपकी है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ x माइनस वाई यह हो गया घंटा। फिर 36 किलोमीटर जो है यहाँ चलती है धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल अनुकूल जो है लगा समय, समय आपका यह टी सी दिक्कत हो रही है, धारा के जो है अनुकूल जाने में लगा समय
लगा समय आपका जो होगा यह समय T2 है। इस समय T2 को हम जो है क्या करेंगे यहाँ पर, यह दूरी आपकी थी यहाँ 36, 36 बटे जो है यह हो जाएगा अनुकूल दिशा में यक्ष धन वाई। तो यक्ष धन वाई हो रहा है, तो इस स्थिति में हम पाते क्या है, इस स्थिति में हमको मिलता है यहाँ देखिए दूसरा समय आपका दूरी है 60 और 40 किलोमीटर, जिसको हम अनुकूल 60, थोड़ा सा 60 के लिए प्रतिकूल है 40 समीकरण बनाना है। यहाँ हमको मिलता है क्या, अब देखिए समय जो आपका हो गया है, ये दोनों जो है T1 और T2 समय लगता है इस दूरी कवर करने में कुल 7 घंटे। तो अतः प्रथम शर्त से हम लिख लेंगे, प्रथम शर्त से आपको मिल जाएगा कि T1 धन T2 बराबर 7 है। यहाँ आपको मिल गया यक 32 बटे यक्स ऋण वाई धन, यह हो गया 36 बटे यक्स धन वाई या बराबर 7। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ दूसरी कंडीशन में आपके प्रश्न में है कि धारा के अनुकूल जो है 60 किलोमीटर जाने में तथा धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाने में समान समय लगता है। इसका समीकरण जो बनेगा प्रश्न के आधार पर, द्वितीय शर्त से यहाँ हम छोटा कर देंगे इसको, द्वितीय शर्त से 60 किलोमीटर अनुकूल जाने में लगा समय 60 किलोमीटर अनुकूल दिशा दिशा में जाने में लगा समय बराबर है किसके, 40 किलोमीटर प्रतिकूल दिशा में जाने में लगा समय। दिशा में जाने में लगा समय, तो यहाँ देखिए आपका समीकरण बनता है क्या, यहाँ 60 किलोमीटर अनुकूल दिशा है, इसका मतलब है कि हम यहाँ लिखेंगे 60 बटे यक्स धन वाई अनुकूल का, और फिर 40 बटे यक्स ऋण वाई। इससे हमको संबंध क्या मिल जाता है, दूसरा संबंध यहाँ लिख लेते हैं। स्थिति आती है कि 60 बटे यक्स धन वाई ऋण 40 बटे यक्स ऋण वाई बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 होता है। अब यहाँ देखिए आपका संबंध बटे में दिया हुआ है, इसलिए सीधे सरल नहीं होगा, इसमें प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे। तो प्रतिस्थापन विधि आपकी क्या होगी, समीकरण 1 और 2 में, 1 और 2 में यहाँ आप लिख लीजिए कि 1 बटे यक्स धन वाई बराबर यू, और 1 बटे यक्स ऋण वाई बराबर वी रखने पर जब आप इसको रखेंगे तो हमको क्या मिलता है, एक समीकरण मिल जाएगा, ये वाला धन वाला हम पहले लिखते हैं, तो 36 है यू धन है, 32 है वी बराबर 7 है, समीकरण नंबर 3 हो गया है। उसके बाद दूसरे वाले में रखते हैं यहाँ पर, तो ये आपका हो गया 60 है, 60 यू और ऋण है 40 वी, यह बराबर हो गया 0, यह हो गया समीकरण नंबर 4। अब आपको करना क्या है, देखिए ये इसमें डबल क्वेश्चन बन रहा है, समीकरण बन रहे हैं। यहाँ स्थिति हम लेते हैं कि जो ये गणना हुई है, इस गणना में आपको करना क्या होगा, अब यहाँ पर समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से यू और वी का मान निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 3 और 4 से हम प्रतिस्थापन विधि का संबंध लगा देते हैं। जैसे यहाँ 4 से हमको मिलता क्या है, 4 से हम लिख सकते हैं कि 60 यू
बराबर 40V के, यानी ये U बराबर हो गया 40V बटे 60, यानी 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, आपका 2V बटे 3। इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो है ये आपका 3 उसमें रख दीजिए। तो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर आपको मिलेगा क्या, 3 आपका यहाँ मिला है 36 है, यू धन 32V बराबर 7, यह हो गया 36 है। अब यहाँ यू का मान वी के पदों में है, तो हम इसको लिखेंगे यू के स्थान पर 2V/3, 2V/3, और धन यहाँ आपका हो गया 32 है, 32V, यह आपको मिल गया बराबर 7। यहाँ आपको मिल जाएगा 3 से इसको काट देंगे तो यहाँ मिलेगा 12 3 36, ये 12 दूना 24, 24V धन 32V बराबर 7 के हो गया। स्थिति बन गई आपकी यहाँ पर, 24 और 32 जोड़ दीजिए तो आपको 4 2 6 3 2 5, इतने V बराबर 7 के, V बराबर हो गया 7/56। 7/56 का संबंध मिलता है, और जब V का मान हमको 7/56 मिलता है, तो यहाँ देखिए आपको जो ये संबंध मिला है इसको 5 लिखिए, तो इसमें हमको आ जाता है कि यहाँ पर अब V का मान रख देते हैं, तो 5 से हमको मिलता है, 5 से आपको U बराबर आपका हो गया यहाँ पर 2/3 गुणे V का मान 7/56 रख देंगे, 7/56, या इसको काट दीजिए, यहाँ 28 आ गया, 28 3 84, यानी U का मान हमको मिल गया, यह हो गया 7/84। अब देखिए U और V का मान जो आपको मिला है, इसी V और V का मान जो X और Y के रूप में मानक माना गया है, हम लिखेंगे मानक से आपका क्या है कि 1/X धन Y बराबर माना गया है U, और जब U माना गया है तो U का मान यहाँ रख देंगे, यह आपको मिल गया 7/84, 7/84 हो गया, तो 1/X धन Y हो गया, 3 गुणा कर दीजिए, या यहाँ आएगा या इसके पास जाएगा, यानी यह करके हम लिख सकते हैं 84/7 कोष्टक में यह X धन Y। लंबा क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर में आपको मिलता है। अब इससे मिल गया क्या, X धन Y बराबर 84/7, 12 7 84 आपको मिलता है, यहाँ मिल गया 12, यानी एक समीकरण मिल गया आपको X धन Y बराबर 12, जिसको हम समीकरण नंबर 6 लिखेंगे। दूसरी कंडीशन आपकी आती है इसमें कि जो 1/X ऋण Y, 1/X ऋण Y तथा 1/X ऋण Y बराबर हमने माना है V के, और V का मान हमको यहाँ मिला है 7/56, यानी काटेंगे तो 1/8 आएगा, यानी ये 7/56 है, इसको काटने पर 1/8 से X ऋण Y बराबर 8 मिल गया, ये समीकरण नंबर हो गया आपका 7। अब देखिए यहाँ आप आसानी में पहुंच आए हैं कि X-Y बराबर जब 8 हो गया तो समीकरण नंबर 6 और 7 का प्रयोग कर दीजिए। यहाँ 6 और 7 का जब प्रयोग करेंगे तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ X धन Y बराबर बार रहा है, यहाँ X ऋण Y बराबर 8 है, जोड़ेंगे तो Y से Y का पद कट जाएगा। समीकरण 6 और 7 जोड़ने पर यह आपको मिलेगा X धन Y बराबर, नीचे मिला है 12 के, और X ऋण Y बराबर हमको मिल रहा है 8, जोड़ देंगे पद कट गया,
दो एक्स बराबर 20 के, एक्स बराबर आपका हो गया 20/2, काट देंगे तो यहाँ 10, यानी ये हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रूप से आपको जो है इसमें मिल गया एक्स का मान, जो एक्स का मान है नाव की चाल। अब इसमें रखते हैं, फिर एक्स का मान किसी एक में रख दीजिए, जैसे समीकरण नंबर आपका 7 है, 7 है एक्स ऋण वाई, 6 है एक्स धन वाई। समीकरण 6 से हमको मिलता है कि एक्स धन वाई बराबर 12 है, तो वाई बराबर हमको मिल जाएगा 12 ऋण एक्स, इसी 12 ऋण 10 कर देंगे, यानी ये मिल गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका जवाब हुआ, जहां पर वाई आपके धारा की चाल है, एक्स जो है नाव की चाल है। जब नाव जो है, नाव शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और धारा जो होती है, मान लीजिए धारा में जब रहे, धारा जब चलती है, पानी बहता है, तो उसकी चाल उस समय 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपका प्रश्न है। अब हम आपको होमवर्क इसके बाद देंगे, जिस आइए बच्चों देखिए, होमवर्क के रूप में आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक नाव जो 6 घंटा में धारा की दिशा में 24 किलोमीटर तथा विपरीत धारा की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर जाती है, तथा वह विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में समान समय लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल ज्ञात कीजिए, इसको आपको करना है। साथ साथ दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एक नाव 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में उसको 10 घंटे समय लगता है, तथा 13 घंटे में वह धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाती है तथा धारा के प्रतिकूल 44 किलोमीटर जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल बताइए। तो इस प्रकार आप इसको, इन दोनों क्वेश्चन को करेंगे जो पीछे आपको बताया गया है सवाल, और ये सवाल आपका जब भी मिलेगा लॉन्ग आंसर टाइप में मिलेगा। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। बस।